तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की। हमारा अतीत फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में, ठीक है। तो इसके कवर पेज पर जब भी आप लोग खरीदो या कहीं से डाउनलोड करो तो उस पर लिखा होगा कवर पेज पर हमारा अतीत फर्स्ट। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब बात करना था राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में, ठीक है। याद रखिए, मैं फिर से वही बोलूँगा कि इसे एक कहानी की तरह पढ़िए या फिर सुनिए, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है ये। एक दो बार आप लोग सुनोगे या पढ़ोगे, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चुनाव का दिन था। जब शंकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उन्हें उसे जल्द ही समझाने की कोशिश की और कहा, आज हमें अपने शासकों का चुनाव करने जाना है। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। इस सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। जिन्हें पुरोहित लोग शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। यानी कि भेदभाव था इस समय भी। वर्ड, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें आपका पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, सैनिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, सैनिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे, गरीब थे, ठीक है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था।
उनका काम ब्राह्मणों का था, काम वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा था स्थान शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आदि थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान था शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता था। ठीक, इनकी स्थिति यानी कि बहुत दयनीय थी। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था, यानी कि औरतों की स्थिति भी बहुत खराब थी इस टाइम। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं होता था। ठीक, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इस समय वर्ण व्यवस्था की जन्म के आधार पर थी। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, या पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद आपके ये क्या है, ये चित्त है आपका, चित्त दूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह की सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता हो। जनपद में आपकी बात करें तो महायज्ञों को करने वाला राजा जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद। पुरातत्वों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इस समय कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्त दूसर पात के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद करीब 2500 यानी कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अत्यंत अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों, बच्चों ने इसके लिए अधिक अथक प्रयास परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये है आपके महाजनपद और नगर जनपद। ठीक है, ये आपकी काउल नदी है। पहले पता है पाकिस्तान, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सभी उपमहाद्वीप के हिस्सा थे। ठीक है,
ये श्रीलंका भी, ये आपका अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये आपका लक्षद्वीप है, यहाँ ये आपकी कावेरी दक्षिण भारत में कावेरी नदी बह रही, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा नदी हो गई, कृष्णा नदी है, ये गोदावरी नदी है आपकी, महानदी है, यहीं आपकी ताप्ती है, नर्मदा है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये आपका उज्जैन है, राजगृह, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, यहाँ झेलम नदी है, तक्षला था यहाँ, ठीक है, सतलज, रवि, रावी, चेनाब, झेलम, गंधार यहाँ ऊपर, ठीक है, ये आपका वैशाली है, ये आपका वो मगध है, ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबा नदी है, इसे आप चंबल बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके प्रमुख महाजनपद और नगर और महत्वपूर्ण जनपद। आगे बात करके हर अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः 8 सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप लोग अध्याय 8 में पढ़ोगे। कौशाम्बी की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग इस समय कृषक थे, किसान थे। उपज का ये लोग 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रयास श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने के में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। बात करते हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल का अब लोहे से बनने लगे, हल्के जो फाल होते थे ये लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में भी छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेती मजदूर करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध जनपद के बारे में। लगभग 200 सालों के बीच भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, आपका एक बिम्बिसार, दूसरा था अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही।
बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बना लिया। 2300 साल यानी कि 2300 साल से भी पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। ठीक, फिर वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन या सभा के लिए प्रयोग किया जाता है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में आप आगे अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। बात करते हैं अजात शत्रु और वज्जी संघ के बारे में। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वह वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल किया। इसके बाद इनके बारे में तुम कक्षा 6वीं की इसी अतीत में फर्स्ट में देखेंगे, अध्याय 10 में। ठीक है, यूनान और एंथिस। लगभग 2500 साल पहले एंथिस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, प्रजा का तंत्र। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। इस समय व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एंथेस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एंथेस में खदानों, खेतों और घरों, कारशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, ये उपयोगी शब्द इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं। राजा अश्वमेध भी देखा है, वर्ड देखा है, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लीजिए अभ्यास के लिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है,
बुक्सी, ये हैं आपके नए शासक। लगभग 300 साल पहले महाजनपद आपके, सॉरी 3000 साल पहले महाजनपद, 3000 साल पहले सिकंदर का आक्रमण दीन निकार का लेखन, लगभग 2300 साल पहले गढ़ एवं संघ राज्यों का अंत, लगभग 1500 साल पहले। ये हैं आपके, देखते रहना। तो ये था आपका पांचवा चैप्टर। आगे बात करेंगे नए फैशन और नए विचारों के बारे में, ठीक है? अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे।